टॉपिक बता रही हूँ उस टॉपिक को अच्छे से अपने एनसीईआरटी से करेंगे और क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको हर क्लास के बाद देती हूँ, है ना। लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप करेंगे। पहले आप लिख लीजिए कौन कौन से टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है, लिखो एक बार। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया और उसके जो भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने वो करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है आपको। और इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी आपको करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट करना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट करना है, लिख लिया। और आपको वो पढ़ना है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, समझ में आ गया। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट, क्या बेटा आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हाँ, वो एक्चुअली ना वॉल्यूम मैंने कम किया हुआ था, आई थिंक अब ज्यादा बेटर आ रही होगी, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट। हाँ, लिख नहीं रहे हो क्या आप सौरव? लिख रहे हैं मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ आप बच्चे प्लीज उसमें मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में जो मैंने टॉपिक बोले। हाँ जानवी, तुम बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी लिख लिया क्या के बाद मैम? यस। बच्चे, अगर आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के जाएंगे टेस्ट देने तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। अगर आप अच्छे से प्यारे बच्चों की तरह एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल भी आएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। और मुझे बताना फिर आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ, ठीक है। आप लोगों को संडे को जैसे जो भी है लिंक वगैरह शेयर किया जाएगा, डोंट वरी, आपको बता दिया जाएगा सबको कैसे करना है, और फिर हम देखेंगे कि आप लोगों का स्कोर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से करना, चलिए करें फिर स्टार्ट आज का लेक्चर बेटा। केमिकल बॉन्डिंग, देखो केमिकल बॉन्डिंग ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर पे, तो तुम लोग जितने स्टार लगाओगे ना उतने कम है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो ले रही हूँ आयनिक बॉन्ड एंड फजान्स रूल, ठीक है। कैसा टॉपिक है ये, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे, हाँ तो यहाँ से क्या नाम है का बोलो बेटा? मैं ये चैप्टर पढ़ा था बट समझ में नहीं, ऐसे नहीं करना है। अभी आप पढ़ के आएंगे डेली और फिर क्लास में उसको समझने की कोशिश करेंगे सारे, ठीक है। मैम टॉपिक दोबारा बताना। ओके मैम। बेटा अभी मैं टॉपिक का नाम ऊपर ही लिखा होगा, फिर उतार लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर में क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेंगे तुम लोगों को, यानी कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, है कि नहीं है बताओ? बस हाईली इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी की आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग है ना। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे आप लोगों के बीच, आप लोगों के फ्रेंड्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आप लोगों के पेरेंट्स के साथ कैसी बॉन्डिंग होती है, वही हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग देखनी है कि उनमें कैसे कैसे टाइप की बॉन्डिंग होती है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या समझना बच्चों, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच में क्या है, आप क्या बोलते हो इसको, बॉन्ड बोलते हो कि ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। yes, ma'am. ठीक है, एक बार बताओ, अगर आप कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उनके साथ बॉन्ड क्यों बनता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग क्या है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, ठीक है। जो उनका नेचर है और जो आपका नेचर है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उनके थॉट्स आपके थॉट्स क्या करते हैं, मैच करते हैं, तभी आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है। तो आप ओके, तो आप लोगों की, मतलब आप लोगों का बोल सकते हैं ना,
कि क्या चीज है जिसकी वजह से आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है। तो आप बोल सकते हैं मैम उसके मेरी फ्रेंड के थॉट मेरे थॉट मैच करते हैं, उसको जो चीजें अच्छी लगती है मुझे भी वो चीजें अच्छी लगती हैं, जैसा वो सोचती है मैं भी वैसा सोचती हूँ, इसलिए हमारे बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, इसलिए हम आपस में बेस्ट फ्रेंड भी हैं। ऐसे ही आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बोल सकते हो, अपने मम्मी पापा के साथ। तो अब बेटा केमिस्ट्री में कैसे बोलते हैं कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड, क्या होता है केमिकल बॉन्ड। तो बच्चे जो फोर्स इन दोनों को आपस में जोड़ा, तुम खुद सोचो ये आपस में जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई तो फोर्स काम कर रहा होगा ना, जिसकी वजह से ये आपस में क्या कर रहे हुए हैं, दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, मानते हो कि नहीं। ठीक है, कोई तो फोर्स होगा, यस कोई मैम, तो फोर्स होगा जो इन ए और बी एटम को साथ में लेके पकड़ा हुआ है। तो बच्चे क्या होते हैं, ये फोर्स ही होता है। बॉन्ड क्या है आपका, यस मैम, का फोर्स है। क्या है बॉन्ड, लिख दो सारे। बॉन्ड क्या है, इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। लिखो बच्चों, बॉन्ड क्या है, एक तरह का फोर्स है जो कि क्या करके रखा है, ए और बी को आपस में बांध के रखा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, तो केमिकल बॉन्ड अगर कोई आपसे पूछे बता दोगे, यस यस बॉन्ड इज अ मैम, टाइप ऑफ, यस मैम, यस बॉन्ड इज अ अट्रैक्टिव यस फोर्स, द मैम, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड, होल्ड का मतलब क्या है, पकड़ना, किसको पकड़ना, एटम को पकड़ना, आयंस को पकड़ के रखना एक साथ। ठीक है, एक साथ पकड़ के रखना इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल बॉन्ड। तो मेरे बच्चों को केमिकल बॉन्ड का तो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब आप इन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बच्चों, यस बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, विच होल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस टूगेदर। ठीक है जी, अच्छा तो इन चैप्टर में आप ये सब पढ़ने वाले, एक बार जल्दी से देखो ये क्या लिखा हुआ है, एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं। मैम अभी आपने बोला कि उनको एक फोर्स होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैम आपने जैसे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है ना, यस नाइट्रोजन मैम, N2 की फॉर्म में होती है, H3 तो कभी तुमने सुना नहीं होगा, H4 भी नहीं सुना होगा, ऐसा क्यों नहीं होता मैम, तो ये भी यहीं पे कवर करेंगे। मैम मॉलिक्यूल्स की शेप क्यों दिखती है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के शेप दिखते हैं, अगर आपने चैप्टर स्कूल में पढ़ा होगा, कोई टेट्राहेड्रल दिख रहा है, कोई ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, तो मैम ऐसा क्यों, शेप क्यों दिख रही है उनकी। ठीक है जी, यस मैम, और जब एटम आप में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो किस टाइप का फोर्स है नेचर, अब मैम ने तो बोल दिया फोर्स है, कैसे टाइप का फोर्स है, क्या नेचर है उन फोर्सेस का, वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो इतने ये टाइप के बॉन्ड होते हैं आप लोगों के। ठीक है, देखो बच्चों दो तरीके के बॉन्ड पढ़ने हैं आपको, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। एक वो जिनसे आपकी दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, और एक वो जिनसे बहुत ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ऐसे दूर दूर से ही हाय हेलो है। ठीक है, तो स्ट्रोंग बॉन्ड में कौन से आगे, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो, स्ट्रोंग बॉन्ड में कौन आगे मेरे बच्चों, आयनिक बॉन्ड, आई थिंक जो आप लोगों की एनसीईआरटी हिंदी में है वो भी उसमें आयनिक बॉन्ड ही होगा, राइट। यस मैम, ठीक है, मैम, हेलो, ओके, बहुत ही बढ़िया है। फिर तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। हेलो मैम, हाँ बेटा, हाँ जी सर, थोड़ा सा ना बच मैम थोड़ा सा ना आप बच्चों को गाइड कर देना कि बच्चे ना आज अपनी अटेंडेंस गूगल फॉर्म से ही लगाएं, ठीक और सभी बच्चे ना 6:40 के बाद ही अपनी अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6:40 तक सभी के पास में एक मैसेज चला जाए जिसके अंदर बच्चों का एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा होगा, जो भी बच्चे ने रजिस्टर्ड कराया होगा वंती के अंदर। अच्छा, तो ठीक है बच्चे सर, 6:40 के करीब में अटेंडेंस लगाएं और गूगल फॉर्म से ही अटेंडेंस लगाएं सिर्फ। ठीक है सर, मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूंगी। हाँ, और गूगल फॉर्म मैंने आपको मैं व्हाट्सअप कर दिया अभी, आप हाँ चेक जी सर, कीजिए, देख लिया मैंने। वो आप भी कर देना। एक्चुअली मैं एक शायद क्लास अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे मैसेज करने हैं सभी को। ओ कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके बच्चों, ठीक है, तो मैं आपको 6:40 के बाद दूंगी फॉर्म, जैसे अपनी क्लास खत्म हो जाएगी आप लोग अपना वो फॉर्म फिल करना, इसलिए क्लास से कोई नहीं जाएगा, अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 90% अटेंडेंस होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है बच्चों, चलिए कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जल्दी यस आओ, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। मैम ये तो आपने पढ़ा दिया था नेक्स्ट पिछली क्लास में, मेटलिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये तो हमें आता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, और मेटलिक बॉन्ड क्या होता है आप लोगों का, दो मेटल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर उनका डिस्टेंस लेके उनका हाफ कर दोगे तो मेटलिक बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि आपके लिए नए नए बॉन्ड कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड, वैसे ये भी आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी आप लोगों के लिए नया है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल
फोर्सेस, ये भी आप लोगों के लिए क्या है नया। अभी फिलहाल आप अपनी नोटबुक में ये चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बोन्ड वाले कैटेगरी में कौन से आते हैं और वीक बोन्ड वाली कैटेगरी में कौन से आते हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत ठीक है, ओके। ये देखो, ये वही है जो अभी मैंने बताया, टाइप ऑफ केमिकल बोन्ड। अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि बोन्ड क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो कौन कौन से नेचर क्या है उनका, मतलब कौन कौन से टाइप के बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है आयनिक बॉन्ड हो सकता है कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है। ये आपके लिए दोनों बहुत नए हैं, आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट और आयनिक आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं पढ़ूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर। चलो ये वाला ग्राफ बेटा देखो, अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग आज रिवाइज किया तो ये पक्का ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने। ये ग्राफ पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब इस ग्राफ को ना नोट डाउन कुछ नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ सुनेंगे आप ये, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो जब ये आपको क्लास के बाहर नोट्स मिलेंगे आपको, आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है जी। अब सुनना, ये है क्या, ये ग्राफ में क्या दिखाना चाह रहा है। तो बच्चा ये जो ग्राफ प्लॉट किया वो किसके बीच में किया, एनर्जी और न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, एनर्जी के बीच में और न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होते हैं, दो एटम के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। जैसे देखो इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इधर आओ, ध्यान से देखना जो मैं बता रही हूं। ये देखो, ये देखो, ये लाइन क्या दिखा रही है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की, दो एटम आपस में कितने दूर दूर है, ठीक है। इधर देखो बच्चे, इस वाले पॉइंट पे एक बार बताओ, एक एटम यहाँ है एक एटम वहां है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन है कि नहीं? नो मैम, नो मैम, नो मैम। आपके ना दो टाइप के आप देखते हो फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन किसके बीच में होती है, अपोजिट चार्ज के बीच में, पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। रिपल्शन किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। बच्चे यू विल एंजॉय द चैप्टर, ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप इंजॉय करोगे। ध्यान से सुनते जाना जो आज मैं बताती जा रही हूँ, ट्राई करेंगे इसको रियल लाइफ से थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रिलेट करने का, ठीक है। अच्छा तो जब तक ये दोनों दूर दूर हैं, ठीक है, कोई प्यार मोहब्बत कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। पास आना शुरू होगा, ठीक है, पास आएंगे क्या होगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, अट्रैक्शन चालू होगा, ठीक है। तो बच्चे इस पॉइंट पे क्या है, ये दोनों में क्या है, जस्ट ऐसा पास आ रहे हैं, देख पा रहे हो बच्चे, ये देखो ये धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये एनर्जी नीचे जा रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है मेरे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं एटम एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, देखो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, क्या आप देख पा रहे हो बच्चों, अट्रैक्शन ठीक है। अच्छा एक पॉइंट देखो और आया, एक पॉइंट और आया, ये देखो एनर्जी बहुत कम हो गई मेरे बच्चों, एनर्जी बहुत कम हो गई। इस पॉइंट पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखो बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए, इस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ, ना लड़ाई हो रही है ना प्यार, सब न्यूट्रल है, मस्त मजे से बनी हुई है उनकी, ठीक है, मस्त मजे से हैं दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इस वाले ये देखो, इसको हमने क्या कहा है, जो ये एनर्जी बहुत कम हो गई है, यहाँ पे हम बोलेंगे एनर्जी बहुत कम है, कौन सी एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जैसे ही बॉन्ड बनता है ना बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री पढ़ते वक्त जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चों, रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, द एनर्जी रिलीज बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जिसको ये समझ में आ रहा है वो ये लिख सकता है, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ यानी कि इस वाले पॉइंट पे क्या है, एनर्जी बहुत कम है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, जब एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सारे बच्चे चार्ट बॉक्स में डाल देंगे कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। जब एनर्जी कम है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी,
ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे दो तरह की एनर्जी से हम डील कर रहे हैं। एक तो ये वाली एनर्जी है, यहाँ पे ये जनरली पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, एक बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ध्यान से सुनना, दो बातें बोल दी। वैसे तो जनरल आपने सुना होगा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन जब तुम्हारे सामने बॉन्ड एनर्जी आ जाए तो ध्यान रखना बच्चे, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ध्यान रहेंगी बेटा? यस मैम। ठीक है, जो आप बोलते हो ना एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जनरली वो आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होते हो। लेकिन बॉन्ड एनर्जी का ध्यान रखना, जितनी बॉन्ड एनर्जी कम सॉरी जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब जब बॉन्ड बन रहा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? फिर देखो ये ग्राफ एकदम, देखो एनर्जी एकदम बढ़ गई बच्चों, देखो एकदम बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब एक लिमिट से ज्यादा एटम पास आ जाएंगे तो उसमें क्या होने लग जाएगी, रिपल्शन, रिपल्शन होने लग जाएगी, धक्का मुक्की होने लग जाएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, रिपल्शन वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या चीजें बताई, एक बार रिपीट कर दू, ध्यान से सुनो। ये जितना भी मैंने आप लोगों को ज्ञान दिया है वो सारा इन पांच पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। पहली ज्ञान की बात, जब एटम दूर दूर थे, ना प्यार मोहब्बत थी ना लड़ाई झगड़ा था, दूर थे, देखो कितना दूर है उनका, देखो डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बहुत दूर है अभी, है ना, दूरियां हैं बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे पास आने लगेंगे अट्रैक्शन बढ़ेगी, है ना, और एक टाइम पे ऐसा होगा अट्रैक्शन रिपल्शन वाला फैक्टर बराबर हो जाएगा, काउंटर बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन, ठीक है। और उस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, निकलती है। एनर्जी क्या होती है, निकलती है, और जब एनर्जी निकलती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, वेरी गुड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब एनर्जी देनी पड़ती है तो एंडोथर्मिक होता है, मतलब इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब ज्यादा हद से ज्यादा पास आ जाएंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, तो एकदम से एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या ये चीजें क्लियर हो गई बच्चों? यस ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बॉन्ड बना रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होनी चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे इसमें देखो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर है, ओवरऑल क्या है इसमें अट्रैक्शन वाला फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से जो एनर्जी जो है कम हो जाती है और केमिकल बॉन्ड बनता है। तो जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं ये इसमें है, ठीक है। उसके बाद आओ आयनिक बॉन्ड, क्या कह रहे हैं ये, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, देखो अपनी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी। आयनिक बॉन्ड ना कुछ नहीं है, सुनो, आयनिक बॉन्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा लेगा, एक देगा दूसरा लेगा, एक देगा दूसरा लेगा, खत्म कहानी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, खत्म, ठीक है, चलिए। और जैसे ही कोई देगा तो उस पे पॉजिटिव, मान लो मैं दे रही हूँ इलेक्ट्रॉन, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। आयनिक बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं बेटू, इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, ठीक है जी, हाँ जी, चलिए समझे इसको। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, NaCl, देखो सोडियम, सोडियम के पास कितने वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, सेवन, सेवन। तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, एक, समझ रहे हो ना, आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए। हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा अगर ये एक दे देगा, yes, ma'am. तो वो कहेगा ले भाई, वो कहेगा ले भाई तू ले ले, और ये कहेगा ले भाई मुझे दे दे, ये कहेगा ले भाई ले ले, और ये कहेगा ले भाई मुझे दे दे, दे दे, दे दे। अब ये कहेगा भाई मैंने दे दिया तो मेरे पास, मेरे ऊपर क्या आ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, एक, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस वन, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस वन। आपको वन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके लिखो आप, ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा अगर मैं पूछूं बेटा इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी है, इलेक्ट्रोवेलेंसी मतलब कितने इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक दिया है तो एक लिखो। इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी है बच्चों क्लोरीन की,
ठीक है बेटा, अपना माइक म्यूट करो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल ले ले मैग्नीशियम का। अच्छा तो मैग्नीशियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन मुझे बताएगा? वैलेंस शेल में दो दो होते हैं। क्लोरीन के पास थ्री, कौन बोला मैग्नीशियम के पास थ्री होते हैं? गलत बात भाई, दो होते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब इसके पास दो हैं, इसको दो देने हैं, इसको एक चाहिए, तो एक और बनाना पड़ेगा ना हमें क्लोरीन। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब ये वाला क्लोरीन कहेगा भाई मुझे तो देखे एक चाहिए, और ये कहेगा कि मुझे एक चाहिए। मैग्नीशियम कहेगा सही है भाई मेरे को तो दो देने, एक एक ले लो फिर क्या दिक्कत है। ये एक इसको दे देगा, ये एक इसको दे देगा। इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? दो दो। इसने कितने इलेक्ट्रॉन कितने लिए? दो दोनों ने एक एक लिए। हाँ तो ऐसे लिखूंगी ना, एक लिए। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूला कैसे बनाते हो इसका? MgCl2। यस मैम, यस मैम, यस मैम। Mg की वैलेंसी होती है टू, क्लोरीन होती है वन, तो क्या करना है तुम्हें? क्रिस क्रॉस करना है MgCl2। सिंपल, यस मैम। अच्छा बच्चों चलो, आपने ना बॉन्डिंग तो करा दी भाई, बॉन्डिंग तो करा दी। बॉन्डिंग कराने के बाद आपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी लिए, लेके आ गए। अब ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कब कब आयनिक बॉन्ड बनेगा एक बार बताओ, सोच के बताना मेरे को। एक बंदा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमें एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे दे, है ना? यानी कि अनजेशन एनर्जी, अनजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब हमें ज्यादा एनर्जी ना देनी पड़े निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अच्छा एक बंदा ऐसा है, आप थम्स अप देते जाइए मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, एक बंदा ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज्यादा होनी चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा ये चीज नहीं है आप लोगों के लिए, क्या है इसका नाम? लैटिस एन्थैल्पी। सुना है कभी आप लोगों ने? यस मैम, सुना है। देखो लैटिस क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, 3D अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट होता है आयंस का, आयंस का। ठीक है, अगर मान लो आयंस कैसे, जैसे Na+ और Cl-, ठीक है, अगर इन Na+ और Cl- को आप x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में अरेंज कर दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस 3D स्ट्रक्चर का नाम होता है लैटिस। ठीक है, अब उस लैटिस को तोड़ दो, मान लो आप चाहते हो वो लैटिस को हम तोड़ देते हैं, और लैटिस को जैसे आप तोड़ोगे तो किसमें बदल जाएगा? Na+ Cl- में टूटते जाएंगे, है ना? तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस एन्थैल्पी। एन्थैल्पी क्या? एनर्जी है। फिर सुनो देखो, अगर आप Na+ Cl- को एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रिपीट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? 3D अरेंजमेंट। उसको हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? जल्दी से लिख दो चार्ट बॉक्स में, लैटिस। ठीक है, अब मान लो सपोज ये लैटिस है, सपोज लैटिस का ना 3D डायमेंशन तो मैं नहीं बना रही हूं, ठीक है, एक छोटा सा उसका पार्ट ले लिया। ठीक है, सपोज इमेजिन करना कि इसको मैं तीनों डायरेक्शन में रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होंगे? Na+ और Cl- नेगेटिव होंगे। सपोज ये येलो वाले क्या है आपके, आपके Cl- नेगेटिव है। ठीक है, और बीच यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं आपके Na+ है जिसको मैं इससे दिखा रही हूँ बच्चों। ठीक है, अगर जैसे आप इस लैटिस को तोड़ेंगे तो तुम्हारी एनर्जी लगेगी, एनर्जी तो लगेगी ना, लैटिस को तोड़ो तो ब्रेक हो जाएंगे, Na+ Cl-Cl-, यही मिलेंगे। तो जब ये टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वही क्या है? लैटिस एन्थैल्पी। क्लियर है मेरे बच्चों? यस मैम, यस मैम। उल्टा ले लूं क्योंकि हमें तो बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो जो ये आपके कंस्टिट्यूएंट एटम है जैसे Na+ Cl-, इनको जोड़ने के लिए, मतलब जब आप इनको जोड़ोगे, इनमें बॉन्ड बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी? वो क्या? आपकी लैटिस एन्थैल्पी। ठीक है, तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगी। तो कितनी एनर्जी निकलेगी? उसकी भी हाई नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ ये ध्यान रखना आपको अभी के लिए। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर मैं पूछूं, हमने कहा आयनिक बॉन्ड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो सोडियम की सबसे कम होगी, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, है ना? ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ आयनाइजेशन एनर्जी मेरे बच्चों। ठीक है, ऐसी अगर मान लो मैं बात करूं लीना ने की रबसे फरियाद, तो सीजियम की आयनाइजेशन सबसे कम होगी, है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना। और ऐसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी की बात करूं, तो मेरे बच्चों को पता है क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर हाइड्रोजन। यानी कि सबसे अच्छा बॉन्ड कौन बनाना चाहेगा?
सी एल नेगेटिव है ना। यस मैम। ओके उसके बाद बच्चे देखो लैटिस एनर्जी, इस पे लिखो मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, लिखो सारे मेरे बच्चे और पानी पी लो अगर किसी को लग रहा है तो कि मैम बहुत ज्यादा होने वाला है। हाँ बेटा ज्यादा तो करना पड़ेगा नहीं तो सिलेबस नहीं होगा, ठीक है तो इस पे लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है चलिए एक इधर आओ, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि लैटिस एनर्जी क्या होती है तो मेरे बच्चे तुम क्या बोलोगे जब भी मैं तुम्हें बता के आई, ध्यान से सुनना, पहले तो ये सुनो इसकी लैंग्वेज फिर मैं इसको हिंदी में बताती हूँ। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, मतलब मान लो तुम्हारे पास क्या है Na है Cl है, Na है Cl है, Na है Cl है, तुम्हें क्या करना है तुम्हारा क्या काम है इनको आपस में क्या करना है जोड़ना है और जोड़ के क्या बनाना है लैटिस बना देना है। ठीक है तो ये काम जब तुम करोगे बॉन्ड बनेगा NaCl पास पास आएंगे, तुम्हें बेसिकली तुम्हारा काम क्या है Na और Cl की जो NaCl के बीच में प्यार मोहब्बत है उनको पास लाना, यही तो काम है तुम लोगों का। तो जब तुम उनको पास लाओगे तो एनर्जी क्या होगी रिलीज, ध्यान रखना जब बॉन्ड बनता है जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है तो कितनी जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एक बात बताओ जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही स्ट्रोंग आपका आयनिक बॉन्ड होगा, बस ये बता दो। यस मैम। मानते हो कि नहीं मानते? यस मैम। ठीक है जितनी ज्यादा मान लो तुम्हें लैटिस को तोड़ना है, अगर तुम्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एक बंदा है जिसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ रही है और एक ऐसा बंदा है उसके पास कोई दूसरा लैटिस है उसको तोड़ने में उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब जिसमें उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है वो वाला जो लैटिस है वो ज्यादा स्टेबल है ना, उसमें जो स्ट्रेंथ है कंपाउंड की आयनिक कंपाउंड की बहुत ज्यादा है। ठीक है मेरे बच्चों तो ये ध्यान रखना। अच्छा अब इस पे आओ, अब यहां से ना क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना है जो लैटिस एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और साइज पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? चार्ज और साइज पे। और साइज पे जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी बच्चों, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी और जितना ज्यादा साइज होगा उतनी लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है देखो, ठीक है जितना ज्यादा साइज होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है NaCl, MgCl2, AlCl3, अब बताओ किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? चार्ज, यस चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है। तो चार देखो यहाँ प्लस वन है बच्चों, यहाँ प्लस टू है और यहाँ प्लस थ्री है, तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा? एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक है yes, अब जैसे देखो एक ये है LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम Cl और सीजियम Cl, अब बताओ किसकी लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी? हाँ साइज क्या होगा? वेरी गुड, सीएल तो सब में सेम सेम है ना, तो किस पे डिपेंड कर गया? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पे, तो साइज इसका छोटा है तो लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है बढ़िया। ठीक है मेरे बच्चों देखो एक बार। यस मैम। ठीक है तो यहाँ पे ना मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप घर से yes, करके, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आप घर से करके आएंगे, लिखिए। NaCl, KCl में आप बताएंगे किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। ठीक है लैटिस एनर्जी कंपेयर करनी है, लिख लेती हूँ मैं, ऊपर लिख देती हूँ कंपेयर लैटिस एनर्जी। ठीक है अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिखो, NaCl MgO, NaCl MgCl2 और लास्ट है Al2O3, MgO, Na2O। ठीक है बच्चे ध्यान रखना मेरी एक बात, बहुत ध्यान से, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज और साइज, और साइज। हाँ लेकिन अगर मान लो तुम दोनों में कंफ्यूज हो गए, जैसे मान लो इसमें इधर देखो, इस पे देखो NaCl और MgO है, मैम ये तो अलग अलग हो गया अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप देखेंगे किस पे? चार्ज वाला फैक्टर देखेंगे। चार्ज और साइज में से अगर दोनों में फंस गए तो कौन से वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा, कौन सा वाला फैक्टर डिसाइड करेगा? चार्ज वाला। जैसे यहाँ देखो Na पे प्लस वन है, Mg पे प्लस टू, तो कौन से वाला जीत गया? Mg वाला। तो ऐसे करके चलना है बेटा। ठीक है जैसे इसपे प्लस थ्री है, प्लस टू है, प्लस वन, इसपे प्लस टू है, प्लस वन। ठीक है ऐसे करके चलना है मेरे बच्चों आप लोगों को। ठीक है ओके
ये वाला क्वेश्चन करोगे, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ. What is the energy that is released upon the formation of ionic bond known as? करके दिखाओ मेरे बच्चों. What is the energy that is released upon the formation of ionic bond? कौन सी energy release होती है? Lattice energy. Very good. Lattice energy. अच्छा. Option. Very good. और ये एक और बता दो, ये वाला भी कर दो. चलो ये वाला भी कर दो, उसके बाद मस्त वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है. ये भी कर दो मेरे बच्चों. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो सकती है, एक्सो एंडो या दोनों या जीरो, बताओ. एक्सोथर्मिक होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंडोथर्मिक मैम. एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक. कौन सा ऑप्शन है? चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो सारे. कौन सा होता है चैट बॉक्स में लिखो बच्चों. जो आंसर सी दे रहा है वो बहुत बढ़िया दे रहा है बेटा. कुछ भी हो सकती है, आपकी एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है. भूल गए, इसका मतलब पढ़ के नहीं आए. ठीक है, एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है. ये वाला आप घर से कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है बेटा. ठीक है, चलिए आज हम अब देखो क्या पढ़ने वाले हैं. फजान्स रूल. क्या पढ़ने वाले हैं? फजान्स रूल. नाम देखो कितना प्यारा है इसका, फजान्स रूल. अभी मैम फजान्स रूल होता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. सिर्फ मैं 2-3 लाइनें बोलूंगी और पूरा फजान्स रूल खत्म. ठीक है, ये तो थ्योरी लिखी हुई है. जिन बच्चों को नोट्स बनाने की है वो मस्त थ्योरी लिखी हुई है वो बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में बताती हूँ होता क्या. देखो फजान्स रूल कैसे आया. देखो बच्चे एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, ना तो कोई बॉन्ड प्योरली आयनिक होता है 100% और ना ही कोई 100% कोवेलेंट होता है. क्या बोल दिया मैंने दीपा, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं बेटा. ठीक है, ना ही कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है, ना ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, तो फजान्स रूल हमें क्या बताता है, जो हम आयनिक बॉन्ड अभी पढ़ के आए ना, उसमें थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर आएगा. कैसे आएगा, यही किसने बताया हमें, फजान्स रूल ने बताया. ठीक है, देखो मेरे बच्चों ध्यान से देखना, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. यस मैम. ये पॉजिटिव वाला कैटायन वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है. ठीक है, ये दोनों देखो अभी आयनिक बॉन्ड बना हुआ है इनमें. ठीक है, एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास आते हैं और इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है, इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या समझोगे, शेयरिंग हो रही है ना, और मिक्सिंग का मतलब क्या, शेयरिंग हो रही है. और शेयरिंग आते ही कौन सा करेक्टर आ जाता है बेटा, कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है. हाँ या ना, कोवेलेंट. तो हमें यही पढ़ना है बेटा, यही पढ़ना है कि हम कैसे पता करेंगे कि उसमें कोवेलेंट करेक्टर कितना है, ज्यादा है या कम है. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि कोवेलेंट करेक्टर बच्चों आता कैसे है. आओ मेरी तरफ देखो, ये आपका कैटायन है छोटू सा. ठीक है, ये आपका अनायन है बड़ू सा, बड़ा सा बड़ा सा अनायन है. ठीक है, अनायन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको बोलते हैं हम. ठीक है चलिए. अब ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान लो किसी, सपोज ये Cl नेगेटिव है, तो ये Cl का न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो ये कैटायन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आ जा भाई, और इसके पास ये जाएगा बच्चों. और जैसे ही इसके पास जाएगा, देखो इधर आओ, इसके पास जैसे ही ये जाएगा, इसकी शेप बिगड़ना चालू हो जाएगी. मानते हो कि नहीं, शेप तो बिगड़ेगी भाई. अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले ऐसे था, अब वो किसी की तरफ जा रहा है, मतलब उसका शेप बिगड़ गया ना, जिसको आप बोलते हो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डिस्टोशन या पोलराइजेशन. क्या बोलते हो, डिस्टोशन या पोलराइजेशन. ठीक है, अच्छा, जैसे ही ध्यान से सुनना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कह रहा है आ जा भाई. ठीक है, जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, मिक्सिंग होगी, क्योंकि जब तक मिक्सिंग नहीं होगी कोवेलेंट करेक्टर कैसे आएगा मेरे बच्चों, नहीं आएगा. तो जैसे ही वो आपस में मिक्स होंगे तो उनके बीच में क्या आएगा, कुछ कोवेलेंट करेक्टर उत्पन्न हो जाएगा, कुछ कोवेलेंट करेक्टर डेवलप हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो तुम्हें ना इसमें दो टर्म्स, मतलब तीन टर्म्स ध्यान रखने. पहली क्या टर्म है, डिस्टोशन का मतलब क्या है बच्चों केमिस्ट्री में, पोलराइजेशन. डिस्टोशन बोल दो या पोलराइजेशन बोल दो. अब तुम मुझे ये बताओ किसका डिस्टोशन हो रहा है, किसकी शेप बिगड़ रही है, अनायन इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड, अनायन की. ठीक है, अच्छा,
तो यानी कि एक बात बताओ, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा शेप बिगड़ेगी, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा या पोलराइजेशन होगा, उतना ही कोवेलेंट करेक्टर होगा बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, और किस पे डिपेंड कर गया? कैटायन की पावर पे भी तो डिपेंड कर गया। जितना ज्यादा कैटायन की पावर होगी, ध्यान से सुनो, जितनी ज्यादा कैटायन की पावर होगी, इसको हम केमिस्ट्री में, इसमें फजान्स रूल में क्या बोले, पोलराइजिंग पावर। किसकी बेटा? पोलराइजिंग पावर। किसकी? कैटायन की। कैटायन की पोलराइजिंग पावर भी तो अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर मान लो बेचारा खुद ही कमजोर है, उसको क्या खींचेगा, उसको क्या अट्रैक्ट करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। और ऐसे ही जो आपका अनायन है, वो भी बढ़िया होना चाहिए, उसमें भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें भी ताकत होनी चाहिए कि अपने आप को वो क्या करवा सके, पोलराइज करा सके, है ना? तो इसकी क्या होनी चाहिए? पोलराइजेबिलिटी पावर। बताइए मेरे बच्चों। यस मैम। यस मैम। तो बस यही तो है फजान्स रूल, यही तो है। कैटायन क्या करता है? आजा आजा, किसको आजा? आजा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, आजा आजा। जैसे ही वो आएगा, शेप बिगाड़ेगा, और शेप बिगाड़ेगा, मिक्सिंग होनी चालू हो जाएगी, मिक्सिंग होनी चालू हो जाएगी, तो कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा। ठीक है। अब मैम, हमें कैसे पता चलेगा कैटायन हमें कौन सा लेना है? कोई तो फैक्टर होंगे ना, ऐसे कैसे हम डिसाइड करेंगे किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? मानते हैं मैम। हाँ, मानते हो तो हमें देखना। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के देखे थे ना, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए, ऐसे हमें इसमें भी देखना पड़ेगा कि कैटायन का साइज क्या चाहिए हमें, छोटा ले या बड़ा ले, अनायन का साइज क्या ले, बड़ा ले या छोटा ले, है ना? कैटायन का चार्ज क्या ले, ज्यादा ले या कम ले, है ना? अनायन का चार्ज ज्यादा ले या कम ले, है ना? बताओ। ठीक है। ओके, तो ये जो है टर्म है, ये देखो आप इसको पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बिगड़ना, उसका डिस्टोर्शन होना। कौन डिस्टोर्ट, कौन बिगाड़ रहा है उसकी शेप को? कैटायन बिगाड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है, ये वही है जो मैंने बताया है। दो चीजों पे डिपेंड करता है, कैटायन की पावर अनायन को पोलराइज करने के लिए, और अनायन की कैपेबिलिटी, अनायन की एबिलिटी पोलराइज होने की। ये दो जो है पैरामीटर डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं बिट्टू, इधर आओ। सबसे पहले है आपका कैटायन का साइज क्या होना चाहिए। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, तो बच्चे यहाँ पे लिखो, साइज ऑफ कैटायन लिखो मेरे बच्चों। यहाँ पे मैं चार बातें लिखवा रही हूँ एक ही जगह, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, मस्त लिख लो। साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर, लिखो मेरे बच्चों। कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटू होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटू होगा ना, उसके ऊपर उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है। चल दूसरा पॉइंट लिखो, साइज ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। एक बार बताओ, जितना ज्यादा अनायन का साइज होगा, उतना ज्यादा चांसेस होंगे डिस्टोर्ट होने की, उसकी शेप बिगड़ने की। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। यस मैम। वेरी गुड। उसके बाद लिखो चार्ज क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखना, चार्ज ऑन कैटायन और अनायन, चार्ज ऑन कैटायन और अनायन। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला तुम्हारे नीट 2025 में, पहले बता दूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर, ये लिख लो बस, खत्म तुम्हारा। मतलब चार्ज क्या होना चाहिए कैटायन पे ज्यादा, खुद सोचो बेटा, अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा है, मैंने तुम्हें वहां पे भी पढ़ाया था, कहां पे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, अगर चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा है ना उसका, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, और अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और अनायन का साइज कब बड़ा होता है, जब उस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। याद है, बताया था मैंने तुम लोगों को, भूल गए सारे? ठीक है। चलिए ये लिखिए मेरे बच्चों, ये लिखिए, फिर आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। जैसे देखो NaCl, MgCl2, AlCl3। ठीक है। अब तुमसे कोई पूछ ले बेटा, इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसका है, तो कैसे बताओगे? अगर तुमसे पूछ ले कोवेलेंट, वेरी गुड, चार्ज देख लो, क्योंकि देखो अनायन तो सब में सेम है, कैटायन का चार्ज देखना पड़ेगा, इसपे +3 है, इसपे +2 है, +1, जितना ज्यादा चार्ज वो कहेगा आजा आजा आजा, और आजा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। क्या इस पिक्चर में तुम देख पा रहे हो Al3+ के केस में कितना अच्छा उसका डिस्टोर्शन हो रहा है? देखो शेप बिगड़ गई इसकी, इस केस में बहुत कम शेप बिगड़ी है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यस
यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। इधर आओ मेरे बच्चों, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इधर आओ, ये देखो, यहाँ पे लिखूं मैं अलग से? देखो, एक आपके पास बेरियम क्लोराइड है, एक MgCl2 है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, याद करो, और आपके पास है BaCl2, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले भाई कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो क्या बताओगे? इसको आप भूल जाओ जो ये लिखा होगा। हाँ, तो किसका कोवेलेंट करेक्टर? यस बेटा, CaCl2। CaCl2 का सबसे ज्यादा होगा मैम, MgCl2 नहीं, जिस, अरे अभी तो मैंने बताया साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना बेटा कोवेलेंट करेक्टर, तो इसमें साइज किसका छोटा है फिर बताओ, पीरियोडिक नहीं पढ़ाया मैंने तुम लोगों को? BaCl2 मैम, BaCl2, वेरी गुड, बेरिलियम क्लोराइड, बेटा मांगे कार सेंट्रो, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो साइज इसका छोटा, कोवेलेंट करेक्टर उसका उतना ज्यादा, ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान रखना कोवेलेंट करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने अपनी लोअर क्लास में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड सोल्युबल होते हैं पानी में, उनका इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, याद करो। हाँ जी मैम, पढ़ के नहीं आ रहे हो तुम लोग, कल मतलब अपना घर जाके बिल्कुल पढ़ना, ठीक है? ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, उल्टा हो जाएगा इससे? यस मैम, है ना, जो इसका ऑर्डर है वो उसका उल्टा हो जाएगा। देखो बेटा, इधर देखो, इधर आओ, ये देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ देखो, देखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, इसका, तो जिसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इसका देखो 872, आपको वैल्यूज नहीं लर्न करनी, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है मेरे बच्चों? यस मैम, ओके। एनायन का साइज क्या होना चाहिए बताओ, अभी बताया मैंने साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा मेरे बच्चों, ज्यादा होगा, बताया था मैंने? यस मैम, तो देखो जैसे मान लो एक AlBr3 है, एक AlCl3 है और एक AlF3 है, बताओ किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा मेरे बच्चों, बताओ किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? AlF3। हाँ, तुम लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो भाई, किसका ज्यादा? AlBr3। चैट बॉक्स में लिखो सारे बच्चे, चैट बॉक्स में लिखो ज्यादा होगा AlBr3। क्यों क्यों होगा बेटा AlBr3 का ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर? क्योंकि 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 उसका साइज ज्यादा। हाँ जानवी, वेरी गुड, क्योंकि आपका अनायन का साइज ज्यादा है, क्योंकि बेटा कैटायन तो सेम है ना, तो कंपेयर कैसे करोगे, इसके बेसिस पे ही तो करोगे, समझे? यस मैम, देखो ये, देखो ये इसका ऑर्डर है, ये देखो इस केस में, देखो सबसे ज्यादा, देखो साइज ऑफ एनायन सबसे ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना कम है, ये देखो इस केस में कोवेलेंट करेक्टर बहुत कम है, इसको देखो ना मेल्टिंग पॉइंट, अरे भाई साहब 1932 पहुंचा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पता है, किसी भी कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ठीक है? ओके, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है इसमें ना, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है? इसको मैं अपने तरीके से बताती हूँ, देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक होती है बेटा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। मैम ये स्यूडो इनर्ट गैस, ये क्या बोल रहे हो आप? देखो स्यूडो इनर्ट गैस टाइप की कॉन्फिगरेशन होती है, किस टाइप की कॉन्फिगरेशन होती है, जिसमें S2, P6 और D10 फिल होते हैं, S2, P6, D10। जैसे एग्जाम्पल ले लें कॉपर, देखो कॉपर में क्या होता है मेरे बच्चों, कॉपर प्लस वन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, 3p6, 4s0 होता है इसमें, 3d10 यही होता है, पक्का आती है ना कॉन्फ़िगरेशन लिखने मैम, 4s1 होता है, बेटा प्लस वन है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ओके मैम, ठीक है, तो ये देखिए ये बन गई, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बन गई है 2p6d10,
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सूडो इनोट गैस। सूडो का मतलब है नकली, सूडो का मतलब क्या होता है नकली, मतलब बेटा प्लीज म्यूट करो खुद को, प्लीज म्यूट करो खुद को, प्रियंका म्यूट करो बेटा, ठीक है। मतलब ये हमें कैसी है नहीं ये इनर्ट गैस की तरह, लेकिन हमें दिख रही है नहीं लेकिन हमें दिख रही है ना, सूडो इनर्ट गैस, तभी इसको बोला गया सूडो इनर्ट गैस। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, जहां पे भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो समझ जाना उसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ये है, ध्यान रखोगे आप बच्चे, फिर से बताऊं, ये देखो जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते CuCl और NaCl, ठीक है। Cu की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अभी मैंने लिख के बताया है ना, लास्ट में 3s2 3p6 3d10, राइट। Na में क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये तो है ही नहीं सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखना जिनकी सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है इनर्ट गैस, उनका कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है मेरे बच्चों, ज्यादा होता है, याद रखोगे। Yes, ma'am. जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, देखो AgI और KI, ये Ag में भी क्या है, कॉपर का ही तो भाई है ये, कॉपर सिल्वर गोल्ड। सबसे पहले कॉपर आता है, सबसे नकली, मतलब सबसे सस्ता, नकली नहीं सबसे सस्ता, फिर सिल्वर आता है उससे महंगा, फिर गोल्ड आता है उससे महंगा, ठीक है। तो उसका ही भाई है, तो अगर उसका ही भाई है तो इसमें भी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसका भी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा मेरे बच्चों, ठीक है। और अच्छा मुझे और बताओ, जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम का ज्यादा कम, ज्यादा या कम, ज्यादा। ये क्या लिखवाया मैंने यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो आप क्यों बोल रहे हो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। देखो इधर आओ, इधर आओ, CuCl का, इधर आओ, CuCl का आपका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना कम है। NaCl का देखो कोवेलेंट करेक्टर कम है, मेल्टिंग पॉइंट देखो 800 डिग्री पे पहुंचा हुआ है। क्लियर हुआ ठीक है, ओके। चलिए ये क्वेश्चन करो, ये देखो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला देखो, इसको तुम्हें कोवेलेंट करेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे ज्यादा किसका सबसे कम किसका, ठीक है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। चलो आओ भाई, समझ में आ गया ना क्या करना मेरे बच्चों। चलो आप ये क्वेश्चन करते जाना, आप ये, और ये भी है, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन करते जाओ, तब तक मैं आपको इसमें फिर गूगल फॉर्म फ्लोट करूंगी और अपना वो फिल करते जाना। पहले ये करो, जो जो ये कर लेगा वही फिल करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए चलो। फर्स्ट वाला किसने कर लिया, वो हैंड रेस करेगा। फर्स्ट वाला किसने कर लिया, सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसका है, वेरी गुड। मेरे सारे बच्चे हाथ उठाने चाहिए यहाँ पे, अरे वाह क्या बात है। गुंजन, गुंजन बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा, गुंजन बोलो बेटा। AlCl3 का होगा क्या, हाँ वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर क्या है, चार्ज अगर कैटायन पे ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर बच्चों का होगा ज्यादा होगा। चलो दूसरे वाला करके देखो, दूसरे वाला करके देखो, FeCl3, वेरी गुड, FeCl ये हटा दो, ये वेरी गुड, FeCl3 का ज्यादा होगा, ओके। उसमें आओ, नेक्स्ट वाले में आओ, किसका ज्यादा होगा, PbCl4, क्योंकि ब्लड में यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, शाबाश। नेक्स्ट वाले में आओ, बेटा मांगे कार सेंटर पे आओ, BCl2, वेरी गुड। अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो तो कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, इसका इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, MgCl2 होगा ज्यादा होगा, Cl2, वेरी गुड। अच्छा ये वाला करो, नेक्स्ट वाला, ये AlI3 है, सबसे ज्यादा किसका होगा,
मतलब ऐसे लिखा हुआ है तो तुम ऐसे ही लगा के आ जाओगे क्या ऐसे ऐसे करके? ध्यान से देखो भाई लिखा क्या हुआ है। ALI3 आयोडीन सबसे बड़ा होता बच्चों। फिर उसके बाद तुम लोगों को इतने चोटे लगाओगे ना। मैं इधर देखो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? कर दू पिटाई वर्चुअली पिटाई कर दू तुम लोगों की। फिर अगर भूलने की कोशिश की तो मुझे इमेजिन कर लेना सपने में, मैं चाटे लगा रही हूँ फिर आपको, तो ध्यान रखना। अब ये देखो फिर मैंने गूगल फॉर्म भेजा, जिसने नहीं अभी तक फिल किया वो प्लीज फिल करो इसको। चलिए और ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो, ये दोनों आ जाओ बेटा। कोवेलेंट करेक्टर बताना है किसका ज्यादा होगा। COCl का ज्यादा। रीजन भी बता दो सारे चैट बॉक्स में। आंसर विद रीजन। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, लेकिन ये तो चलो इसे लिख दिया, पेपर में थोड़ी ना लिख के देगा। पेपर में आपको पता लगाना पड़ेगा खुद से। सूडो इनर गैस वाला पॉइंट जो मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा इनमें बताओ, सेवेंथ वाले में बताओ बेटा। अगर आप गलत बता देते तो ठीक है। तो कोवेलेंट करेक्टर इसमें क्या है, बड़ा हो रहा है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एनायन। बेटा कोई बात नहीं, आप उसमें एक बार लिख लो जो आपने मोहित उसमें फिल किया हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो अभी डाल दो ठीक है। आप एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सर का नंबर दे दूंगी, फिर आप चेंज करा लेना ठीक है। चलिए कैसा रहा आज की क्लास को तुम बताओगे, सबसे पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर सबसे लास्ट में क्या किया। आप लोगों को मैं कितने मिनट दूंगी, 5 मिनट्स के अंदर हमें पूरा समराइज करना है ठीक है। चलो मैं सबसे पहले नाम लूंगी जानवी का। जानवी प्लीज बेटा बताओ कि आज हमने स्टार्टिंग में क्या किया सबसे पहले। मैम हमने कोवेलेंट बॉन्ड को समझा सबसे पहले, कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग को समझा, सॉरी मैम। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वेरी गुड। उसको क्लासिफाई हुआ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, वीक बॉन्ड में, फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिवाइड हुआ आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड में, बस इतना बहुत है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोग ने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा। हाँ वेरी गुड, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, शाबाश। हाँ हाँ उसके बाद, उसके बाद कोई और बोल रहा है जानवी के अलावा कोई कह रहा था, हाँ बोलो प्रियंका। प्रियंका आप बताओगी क्या पढ़ा आयोनिक बॉन्ड में, थोड़ा सा बताओ क्या पढ़ा हमने, क्या क्या मतलब अगर आपको मान लो कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, मतलब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आपको बताओगे? मैम बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलती। वेरी गुड, एक ये हमने ग्राफ किया था बड़ा ही खूबसूरत सा और इम्पोर्टेंट सा, चलो वो तो हो गई बात। आयनिक बॉन्ड मान लो स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कौन कौन से फैक्टर थे जो आयनिक बॉन्ड डिपेंड कर रहे थे? मैम उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा था बच्चों। और बताओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिसने बताया है लैटिस एनर्जी। सबने अपने एंडेंस फिल करी है ना? यस मैम। ठीक है यस मैम, करी तो एंडेंस नहीं लगेगी आप लोगों की। यस मैम। लैटिस एनर्जी के अलावा और कौन सा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ठीक है ये था। उसके बाद हमने लैटिस एनर्जी के बारे में बात की थी, बताओ लैटिस एनर्जी। हाँ किसने हैंड्रिस के, बताओ लैटिस एनर्जी में क्या पड़ा था, किस पे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी बच्चों? मैम चार्ज और साइज। बताओ चार्ज बाय साइज पे, अगर दोनों में फंस जाओ तो कौन सा फैक्टर देना, चार्ज वाला ठीक है। जितना अगर चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा, और अगर साइज कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। वेरी गुड, उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, फजान्स रूल। क्या कौन कौन बताएगा, मतलब कौन बताएगा फजान्स, क्या क्या पढ़ा फजान्स रूल में?
चार चार चीजें मैंने लिखवाई थी, याद करो, चार चीजें मैंने एक स्लाइड पे लिखवाई थी, इलेक्ट्रॉन गेन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन। ना ना वो इसमें थोड़ा ना कराया था, फजान स्कूल में थोड़ा ना कराया। साइज ऑफ पटायन कह रही हैं, साइज ऑफ पटायन वन अपॉन फाइव का डोमिनेंट चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में बोलो, आप लोग एक साथ बोलो, सुनाई नहीं रहा किसी का, चैट बॉक्स में बोलो। शाबाश, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेरी गुड, लिखो लिखो, शाबाश, साइज ऑफ एन आयन, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड चार्ज का क्या था, चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कम, बताओ चार्ज क्या होना चाहिए कैटायन और एनायन पे, ज्यादा या कम, अरे बोल दो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, क्या होना चाहिए, ज्यादा, वेरी गुड, ज्यादा होना चाहिए कैटायन पे भी और उस पे भी, ठीक है। और क्या था, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन जिसमें S2P6D10 था, जैसे CuCl का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा NaCl से, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट का क्या रिलेशन था कोवेलेंट करेक्टर से, बताओ ठीक है। तो ये आपको करना है, बहुत ही बढ़िया, ये आपका होमवर्क है, देखो ये वाला क्वेश्चन करना है 1, 2 और ये 3 वाला है, 3 करना है, ये 4 करना है, ठीक है मेरे बच्चों, बस यही क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ये बहुत अच्छा, एक ये भी रह गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। गुड इवनिंग मैम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट है। हाँ अटेंडेंस हो गई ना, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया ना, यस मैम, फिर भेज रही हूँ, देखो इसके ना 6 पार्ट है तो ध्यान रखना, तो ये आपको करना है और कल के टेस्ट के लिए, परसों के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको VBT और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी, मॉडल से समझाऊंगी कि ये चीजें मतलब कैसे कैसे शेप्स दिखती है। कौन सी चैप्टर आ रहा है टेस्ट में, कौन सी चैप्टर आ रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आ रहा ना बेटा, ठीक है मैम, हाँ चैप्टर ही नहीं पता कौन सा आ रहा है, ओके ठीक है, गुड इवनिंग मैम, ओके बच्चों जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो लीव कर सकते हो, किसी को कुछ बात करनी है तो रुक सकते हो, ओके मैम, देखो बेटा अच्छे से पढ़ के आना।